अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप लोगों का। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद रखे, हंसता बसता खेलता रखे। और आज जनाब निकली हूँ मैं, जाहिद को ज़बरदस्ती साथ पकड़ा है कि जी मुझे लेकर जाएं। बड़े ही खूबसूरत पार्क में मैं आज आपको घुमाने ले जा रही हूँ। उस पार्क का नाम है कैनन हिल पार्क। कैनन हिल पार्क जनाब फैला हुआ है कोई 250 एकड़ पे। ये साउथ बर्मिंघम में है और यहाँ पर लोग बोटिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, वॉक करते हैं, फिशिंग भी करते हैं और बहुत सारी इसमें देखने की चीज़ें, बहुत खूबसूरत। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये पार्क कहाँ से आया, कैसे बना। एक बहुत ही मालदार खातून थी, बहुत ही मालदार खातून, 1800 में कोई उनकी पैदाइश हुई थी और उनका नाम था लुइजा एन। तो वो जनाब उनके पास बहुत ही कोई मिलियंस के हिसाब से उनके पास जो है ना प्रॉपर्टी थी और बड़ी ही उनके पास दौलत और जायदाद थी। तो उन्होंने क्या किया जनाब, इस पार्क की जो ज़मीन है ना वो उन्होंने डोनेट कर दी बर्मिंघम काउंसिल को, ताकि यहाँ पर जो है लोगों की अच्छी सेहत के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए एक पार्क बनाया जा सके उनकी तफरीह के लिए। एवं फ्री में डोनेट कर दी। आप सोच सकते हैं कि भाई लोगों का भला हो। तो तब से जो है कोई मेरे ख्याल से कोई 1873 में जो है उन्होंने ये डोनेट किया था और ये पब्लिक पार्क के तौर पे खोल दिया गया था। और फिर काउंसिल ने जो है इसको बड़ा ही खूबसूरत बनाया, बहुत प्यारा बनाया। एक बहुत फेमस डिज़ाइनर है J.T. गिब्सन, उनको फिर ये जिम्मेदारी सौंपी गई इसको सजाने के लिए, बनाने के लिए। बहुत खूबसूरत उन्होंने जो है, तब से बस इसकी जो है ना होती जा रही है, कभी इसमें कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं और बड़ी ही प्यारी प्यारी चीज़ें बनी हुई हैं। हम लोगों ने तो जी सबसे पहले उठाई कॉफ़ी, और ताकि हमें घूमने फिरने में मज़ा आए, आसानी हो और मज़े से हम कॉफ़ी पिएं और आपको हम पूरा पार्क दिखाते रहें। तो इसके, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है, मैं आपको बताऊं इसके इतने ज़्यादा ट्रेल्स हैं, इतने ज़्यादा कि 33 मिनट्स लगते हैं उन सबको ख़त्म करने में, अगर आपने उनको कम्प्लीट करना है, तमाम जितने भी ट्रैक्स बने हुए हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत और हसीन ये गार्डन बना हुआ है और ये आज आपको हम दिखाने के लिए लाए हैं। इसमें डक्स हैं, स्वान्स हैं, पिजन्स हैं और गिलहरियां हैं बड़ी प्यारी प्यारी। तो बड़ा ही आपको मज़ा आने वाला है। ये देखिए बड़ी खूबसूरत ये हैं, छोटी छोटी सी डक्स हैं। तो फिर आए आपको यूके दिखाऊं। ये भी आएगी। ए लगा जंप, लगा जाइद। ए ए ए ये डर रही है लगाते भी। ये जाइद तो देख रही है मेरी तरफ, देखे ये देखें जी, इतनी प्यारी। दो बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, एक जो है वो स्मॉलर ऑर्नामेंटल पॉन्ड है और एक बाथिंग पूल है। देखिए जाइए, उसने एक टांग ऊपर ऊपर उठाई हुई है। ये कैनेडियन स्वान है। मतलब इनकी फितरत में शामिल है ना। अच्छा, टांग उठाती है कभी दूसरी, एक इसको नीचे रखे दूसरी उठाएगी। रेस्ट का तरीका है इनका। अच्छा। वो मुर्गा भी हाँ। है जो साइबेरिया से फ्लाई हाँ। करके विंटर के सीजन में अच्छा हॉट मुल्कों में आती हैं, खास तौर पर हमारे मंगला डैम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ अच्छा। जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। इनकी हम हंटिंग करते हैं वहाँ पे अच्छा। और ये नर है, ये जो है ना ये नील सर, ये नर है, इसकी मादा वो है, वो मट्टी रंग वाली। ये जाइद कौन सी, वो जो है ना वो इसकी मादा है, वो जो है अच्छा। ये जोड़ा होता है अच्छा।
इसकी हंटिंग हम करते थे, लेकिन मैंने इधर यूके में आके इनको ऐसे घूमते फिरते जंगली कबूतर सवान मुर्गाबियों को देखा, अब मेरा दिल नहीं करना कि मैं इनको मारूं और हंटिंग मुझे इतनी चेंजिंग आई है मुझ में, इतनी चेंजिंग आई है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि इनको शिकार करके या जरा सा भी इनको हर्ट किया जाए या सिंपल तंग किया जाए, इनको अपनी लाइफ एंजॉय करने देने। जाहिर यहाँ पे माहौल भी तो इतना अच्छा इनको मिला हुआ है ना, आप देखें कि लगता है इंसानों की कम इनकी यहाँ पर ज्यादा याशी है, मौज मस्ती है, पाबंदी है ना, हंटिंग कर सकते हैं। ये देखो ना, इनको कोई डर खौफ नहीं, बिल्कुल अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो ये एक भी यहाँ पे खड़ी ना हो, बिल्कुल सही बात है, मसला तो ये है ना। ये जाहिद ये तो डक है ना, ये वाइट वाली जाहिद ये डक है ना जाहिद, डक की किस्म में से ये है, ये भी सुआ है लेकिन ये कैनेडियन नहीं है, ये और नस्ल है। अच्छा ये वाली ये तो कैनेडियन है पूरी, जल कुकड़ी है छोटी, ये पानी में पाकिस्तान में हर जोहर तालाब में ये पाई जाती है, जल कुकड़ी। तो क्यों जाहिद इसको इनको बुला रहे है वो है ना, बच्चे सारे बच्चे सारे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ देखो वो बुला रहे है, उसके पास आ भी रहे हैं जाहिद, ये देखो आपको कि हम खाने को कुछ ले आते तो ये देखो मांग रही है, सारी जुमे हो गई हैं। जाहिद इसने आवाज दे के बुलाया है इतनी दूर से और वो आ गई हैं। वो भी आ गए। जब भी आप इनको डालोगे ये ब्रेड वगैरह कुछ देखो जरा, जानवर को भी पता है कि हमने खाना है, ये खाने की चीज है। अच्छा इनको बाहर नहीं दे रहा, मुर्गाबियां बाहर खड़ी हैं, इनको इधर नहीं दे रहा। हाँ ये इनको इधर क्यों नहीं दे रहा, ये मारेगी छो मारेगी इसको। ओए देखो साहिब डरते भी नहीं है यहाँ पर इंसानों से ना, वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा खाने को। ये फाख्ता है, अच्छा हमारे मुल्क की तरह की फाख्ता, वो गानी वाली मोटी लेकिन ये अच्छा पड़ी है, अच्छा अच्छा कबूतर से भी मोटी है ये। हाँ ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ मोटी लग रही है। हाँ ये बड़ी होती है। ये देखें जी इतनी खामोशी, इतना सुकून, इतनी खूबसूरत ये जगह है, बेंचेस बने हुए हैं और बंदा सुकून से इधर बैठे, हल्की हल्की बारिश हो रही है, फुहार पड़ रही है। हाँ देखो वाकई लोमड़ी जैसा लग रहा है ये डॉग, करीब से नजर इसकी बनाती हूँ, अजीब और जाहिर है तो दौड़ भी लोमड़ी की तरह ही लगा रहा है। नहीं जाहिर वो इतनी दूर क्या है, वो रोशन सी बिल्डिंग नजर आ रही है, ये वही है एडमास्टन स्टेडियम का है ना। अच्छा 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 ये स्टेडियम की लाइट्स ऑन है जी, जहाँ पर पाकिस्तान का मैच होता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जो अभी दिखाया इंटरनेशनल स्टेडियम है ना जी, फेमस एडमास्टन स्टेडियम। लास्ट टाइम किसके साथ था पता नहीं, जाहिर पाकिस्तान का मैच यहाँ पर हम नहीं देखने आए थे क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस हो रही थी, पता नहीं कौन सा किसके साथ था, पता नहीं कौन सा था, लेकिन हम नहीं देखने आए, हालांकि हमारे घर के ही देखे बिल्कुल पास है, फिर भी नहीं आए हम देखने के लिए। जी जनाब फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और इसका पार्ट टू देखना नहीं भूलिएगा, सजेस्टेड वीडियोस में आपको इसका पार्ट टू मिल जाएगा जो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है और इससे भी ज्यादा खूबसूरत मेमोरियल्स जो मैंने इसमें आपको दिखाई हैं वो देखना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अब नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।